Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamualaikum, Namaskar. BK News में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. बसों कल्याण PU कॉलेज प्रिंसिपल लेक्चर यूनियन की ओर से प्रेस मीट की गई. ये प्रेस मीट बसों कल्याण में बिना परमिशन के चलाए जा रहे PU कॉलेज को लेकर की गई. इस प्रेस मीट में जयशन प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ PU प्रिंसिपल यूनियन, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, प्रेसिडेंट PU लेक्चर यूनियन, बसवराज हेरिमंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट लेक्चर यूनियन, राठौड़ मानवदास, रुद्रमणि मंडपति, सिद्धया स्वामी मौजूद रहे. जयशन प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि बसों कल्याण में बिना परमिशन के कई कॉलेजेस चल रहे हैं और कई कॉलेज टैग करके चला रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 371J या जॉब के लिए स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए पेरेंट्स से अपील की है कि बिना परमिशन वाले कॉलेजेस में अपने बच्चों का एडमिशन ना करें. नरसिंह रेड्डी गदलेगांव ने भी बात करते हुए बताया कि बसों कल्याण में गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं कॉलेजेस में अपना एडमिशन लें, वरना इन फ्यूचर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. AR के गिरी सिल्क एंड सारी, इडन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल. सारे कॉलेजेस यहाँ पर जो है टैग करके चला रहे हैं, उसके बारे में तो वही सबसे बड़ी गलत है. हम बच्चों को एक नाम दिखा, पेरेंट्स को बच्चों को एक नाम से दिखाते हैं और उनका मार्क्स कार्ड में दूसरा नाम आता है. अभी 10 साल चलेगा, 15 साल के बाद वो बच्चे का कुछ तो रिकॉर्ड हम वेरिफिकेशन के वास्ते आता है. वो बच्चे कौन से कॉलेज को जाना कंफ्यूज हो जाता है. वो कॉलेज मिलना तो उसको, वो कॉलेज का नामो निशान नहीं रहता और इन्हों दूसरे कॉलेज के नाम पे बोर्ड लगा के रखते हैं और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन रजिस्टर, ऐसा कुछ भी मिलना नामुमकिन होता है. तो इसकी वजह से अभी पहले से ही कौन सा कॉलेज जो अच्छा है और जो कॉलेज का रिकॉर्ड है, जो कॉलेज का सभी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है, वैसे कॉलेज को कॉलेज में एडमिशन करा तो वो बच्चों का भविष्य अच्छा रहता है. सर, जबकि बताया जाता है कि जो टैग करके चलाना जो है इलीगल है, लेकिन हाँ. उसके बावजूद भी बसों कल्याण में ऐसे बहुत से कॉलेज जो है टैग करके चला रहे हैं, इसके ऊपर DDPI या एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो DDPO और गवर्नमेंट, तो इनके नॉलेज में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कि ये कॉलेज वाले ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल किसी के नॉलेज में नहीं है. हम पहली बार हमारे यूनियन के थ्रू से हम DDPO साहब से बात करें और उनको हम मेमोरेंडम तक दिए और उन्होंने ऑलरेडी ये कॉलेज को इंस्पेक्शन करे और वो सोसाइटी वाले माफीनामा भी लिख चुके थे. कल अगर बच्चों का भविष्य का कुछ भी गलत हो जाएगा, हम उसके जिम्मेदार हैं, बिल्कुल लिख के दे चुके हैं. अभी बहुत सारे कॉलेज का इंस्पेक्शन करना पड़ना है, क्योंकि बोलो तो अभी ऑलरेडी बीदर डिस्ट्रिक्ट में सभी तालुके जाना देखना वो थोड़ा कष्ट हो जाता है DDPO साहब से. तो इससे उन्होंने खुद करने से पहले थोड़ा पेरेंट्स भी थोड़ा अलर्ट रहना है, ये हमारी. यहाँ पर और एक बात ये आती है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे रेड्डी सर ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन अच्छा रहता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल और लेक्चरर्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों दाखिल करते हैं, जबकि गवर्नमेंट में एजुकेशन देता आप दावा करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा एजुकेशन दे रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के जो कर्मचारी जो हैं प्रिंसिपल, चाहे वो लेक्चरर्स हो या टीचर्स हो, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में क्यों दाखिल करते हैं? अभी ये पूरा हमारे भारत का समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है. पूरा हमारे भारत में जो भी है, लीडर से लेके गवर्नमेंट सर्वेंट तक यही समस्या है. वो सभी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करो बोलते हैं मगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं. कन्नड़ी होराट अंतेळि अनेक संघ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓದಿದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಭೇ ಅಭೇ DDPO ಸಾಹೇಬ್ನೇ ಒನ್ಕು ನೋಟಿಸ್ ಭೀ ದಿಯಾ ಹೇ. DDPO ಸಾಹೇಬ್ ಎಕ್ಷನ್ ನೀ ಲೇ ಬೋಲ್ಕೆ ನೀ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜಿಟ್ ಭೀ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೇ, ಮಿಲ್ ಭೀ ಚುಕೆ ಹೇ, ಉನ್ಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭೀ ದಿಯಾ ಕಿ ಬಾ ತುಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲ್ಯೋ. ಆಜ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬುಲಾನೆ ಕಾ ಮಕ್ಸದ್ ಯೇ ಹೇ ಕಿ ಉನ್ ಪರ್ ಎಕ್ಷನ್ ಲ್ಯೋ ಬೋಲ್ಕೆ ಹಮಾರಾ ನಹೀ ಹೇ.
और कॉलेज बंद करो बल्कि भी हमारा ये नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं कि आप परमिशन लेके चलाओ एक, और पेरेंट्स के बच्चों के भविष्य के लिए इनका जो कदम है बच्चे में, बच्चों को आगे फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स का समस्या ना आए, इसलिए ये प्रेस मीट बुलाया गया। अब ये जो प्रेस मीट किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, और संस्था खोलना हर एक का अधिकार भी है। हमसे भी बेहतर आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो दो, उनको नहीं बोलते, इसलिए इतना ही है कि आप परमिशन बच्चों गुमराह मत करो पब्लिक को, नाम एक कॉलेज का नाम एक, अकेडमी का नाम एक और एडमिशन दूसरी जगह, यहाँ पर फैशन बन गया है। मैं ये आप संस्था चला नहीं सकते तो बंद करो, दूसरों को क्यों बेचते। संस्था क्या करते, इंटेक बेच रहे, समझो एक्स वाई जेड इसमें 200 इंटेक है तो आप हज़ारों बच्चे वहाँ मिल देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट दूसरों के इंटेक उन लेकर इनको एक एडमिशन के पीछे इतना देकर उन कॉलेज चला रहे, मतलब क्या है। इनको बैठे जगह हमारा कॉलेज चल रहा है बल्कि इनको सेटिस्फाइड, उन्हों एक्स्ट्रा फीस लेकर उन्हों सेटिस्फाइड, सफ़र कौन हो रहे, पेरेंट्स हो रहे। इसलिए ये स्ट्रिक्ट बहुत सीरियस मामला है, 600 हज़ार बच्चे की संस्था में है लेकिन इंटेक है 200 का, पूरे दूसरे जितने भी बंद गिरे हैं कॉलेजों के उनके पूरे इंटेक लेकर उन चला रहे, ये गलत है ना। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।